सत्य के साथ। ये जो कैंपेन सॉन्ग है इसमें हमने वो सब चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश करी है जो कि उत्तराखंड जब यूपी से होकर आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ और जनता की जो उम्मीदें थी वो जो पूरी नहीं हो पाई, वो क्या ऐसे इश्यूज थे और उन इश्यूज़ को किस प्रकार से हम इसको एड्रेस करेंगे, किस प्रकार से अभी तक की सरकारों ने इन इश्यूज़ को दबा के रखा और उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। एक सॉन्ग है, यहीं के लोकल एक ग्रुप है पांडवास, उन्होंने इसे कंपोज करा, उन्होंने लिखा, उन्होंने गाया, उन्होंने इसके ऊपर जितनी भी फोटोग्राफ लगाई हैं हमसे ली और लगाई अपनी सोच के हिसाब से। युवा की सोच है, युवा ग्रुप है और वही युवा जो आज आम आदमी पार्टी के साथ एक बड़ी फोर्स है क्योंकि उत्तराखंड का नवनिर्माण कर रहा है, उस युवा की एक ये देन है आम आदमी पार्टी। सर क्या क्या माहौल लग रहा है सर? देखो जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने साबित करे हैं दिल्ली में, वो तो उत्तराखंड में भी सारे के सारे लागू होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सुलगते सवाल उत्तराखंड के। साथ में दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि दो पार्टियां यहां पे होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और उत्तराखंड के लोग ना स्वाभिमानी हैं, अगर अधिकार है तो अपने अधिकार को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो आप पैटर्न देखो, बीजेपी सबसे पहले, फिर उसके बाद हारी, फिर कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस 5 साल, फिर बीजेपी। मतलब ये बड़ा सिंपल सा पैटर्न दिखता है कि अगर बीजेपी का कोई विधायक है और वो आज पावर में है तो उसे पता है मैंने हारना है लेकिन अगली बार मैंने जीतना है। वही कांग्रेस वाले की भी सोच है, वही पार्टी की भी सोच है। तो जब ये दोनों की दोनों चलती जा रही है ना तो जनता को समझ में आ रहा है, विकल्प को नहीं था, स्वाभिमानी थे तो बारी बारी से वोट देते गए। आज एक नई पार्टी आ रही है तो बीजेपी और कांग्रेस को तो पता चल गया कि हमारा जो 10-10 साल की जो रोजी होती थी 5 साल जीत करके और उसके बाद 5 साल हार करके फिर दोबारा जीतना, अब उन्हें टेंशन होनी शुरू हो गई है। तो वो अलग अलग तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। जितना डराएंगे हम तो वो वाले हैं ना कि वो इलाका खतरनाक है तो चलो वहीं घुसेंगे, वहाँ पे आतंकवादी ज़्यादा हैं तो वहाँ और अंदर घुसेंगे, अगर वहाँ पे कहते हैं कि आपदा आ रखी है तो हमारा तो मकसद बनता है कि उसमें घुसें। वो अच्छा लग रहा है, जनता को अच्छा लग रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए पर्यावरण मुद्दा बनता है, उत्तराखंड के मैनिफेस्टो में क्या पर्यावरण को मुद्दा बनाएगी और सर कब तक लॉन्च होगा मैनिफेस्टो? में तो जो जल जंगल जमीन है, सबसे बड़ा पर्यावरण तो हिमालय में ही आता है, तो पर्यावरण तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमने वो करना है। इस हफ्ते के अंदर मैनिफेस्टो लॉन्च हो जाएगा और अच्छे तरीके से हम खाली पर्यावरण नहीं हर उस मुद्दे को एड्रेस करेंगे जो आज उत्तराखंड की जरूरत है। सत्य के साथ।